जी और एक शॉट जिसके लिए पूरी फिल्म का मेरा पैसा वसूल हुआ, वो जो आपके लंबे लंबे बाल थे, जब एक ही के लिए गुलाम चलेगा यार ये शॉट और चलना चाहिए था, तो उस शॉट के बारे में। तो सरदारों ये है कि यू नो किसी की इज्जत बचाने के लिए अगर आप पगड़ी निकालें और खुद के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको तो वो हमको एक वो एक सीन था यहाँ फिल्म के अंदर जहाँ पर एक बच्ची को रेप करते हैं, उसको ड्रग्स पे लगाते हैं, रेप करते हैं और उसको तेजाब उस पर तेजाब फेंक कर उसको मार देते हैं और बीच कॉलेज में छोड़ देते हैं। तो अब सब खड़े हैं वहाँ पर, तो और यूजुअली कोई और पिक्चर में आप देखते तो दे वर शोन नेकेड बॉडी, वी डोंट डू दैट, तो वी हैड हर कवर्ड एंड उसके बाद पगड़ी उतारता हूँ और वो पगड़ी उसके ऊपर फॉर हर ताकि यू नो शी इज़ नॉट एक्सपोज टू दैट वो, एंड देन ही गोज़ आफ्टर दोज बॉयज। तो ये था या तो बेसिकली वन जब हम किसी कल्चर के ऊपर या रिलीजन के ऊपर या एक कल्ट के ऊपर या एक रिलीजन के ऊपर यू नो फिल्म बनाते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट एंड यू नीड टू गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अब जैसे हम दिल दे चुकी बनी थी यू नो गुजरातीज पर, यू नो गुजरात में, सो दैट इज़ ब्यूटिफुल यू नो गुजराती लव स्टोरी। देन जैसे हम आपके हैं कौन बनती है, सो बिकॉज यू नो सूरज जी इज यू नो दैट होल जॉइंट फैमिली, सो यू नो सो देन यू शो द जॉइंट फैमिलीज दैट एज ब्यूटिफुल जॉइंट फैमिलीज। अब तो ये आई ऑल्सो व्हेन आई प्लेड सरदार इन हीरोज मेड हिम लाइक अ warrior, you know, they are warriors, so you know portray them as you know they're like everyone is good. I mean like if you're playing a Muslim character or if you're playing any character like Prem, most of my characters I play all Hindu characters, so that so in my characters also agar aapne notice kiya hai to kabhi koi bad language nahi hoga, kahin koi exposing nahi hoga, कहीं लव मेकिंग सीन्स या किसिंग सीन्स नहीं होगा, आई डोंट डू एनी ऑफ दैट स्टफ। तो दैट इज़ द वे आई थिंक यू नो द सिनेमा शुड बी। आजकल ट्रेंड कुछ अलग चल रहा है बिकॉज ऑफ OTT, सो यू फील आई मीन आई कॉन्ट इवन वॉच दैट कॉन्टेंट बट पीपल डू वॉच इट, सो पीपल आर मेकिंग इट। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द मेकर्स, इट्स पीपल आर वॉचिंग, तो वो देख लिया एंड सम पीपल ऑल्सो कमेंट कि यार ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, बट सम दे मेक इट। सो देट इज जस्ट बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग इट दैट डज नॉट मीन दैट आई विल डू इट, एंड क्योंकि माई मदर माई फादर सीनियर्स फैंस चिल्ड्रेन दे सी दीज फिल्म ऑफ माइंड, सो आई लाइक टू कीप दैम वेरी क्लीन। या और मुझे मेरा मानना ये है कि जब आप पिक्चर देखने आओ और फिर वो थिएटर से निकलो यू नो, तो आपके दिमाग के अंदर एटलीस्ट 20-25% यू नो यू शुड टर्न यू नो लाइक बी अ बेटर पर्सन, वांट टू बी लाइक द हीरो बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही इज डन एंड नॉट फॉलो द विलन। तो दैट इज़ हाउ आई लाइक टू डू माय मूवीज। फिर जैसे कि एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, एंड दैट फिल्म आई प्लेड अ लूजर्स कैरेक्टर, और थ्रू आउट द फिल्म मैंने यही प्रमोट किया उस पिक्चर को, पिक्चर जाके देखो, हेयर स्टाइल फॉलो कर लो, कपड़े फॉलो कर लो, इसका किरदार इसका कैरेक्टर फॉलो ना करना। दैट थ्रू आउट दैट होल पब्लिसिटी कैंपेन आई हैव गॉन एंड डन दैट। आउट हियर इज़ अ वेरी ऑनेस्ट कॉप जिसके हाथ हमेशा बंधे हुए हैं, ही गोज थ्रू हिज ह्यूमिलिएशंस, बट करेक्ट चलता है आदमी, दिमाग से चलता है और इवेंचुअली जो उसको करना है ही गेट्स इट डन, शांत स्वभाव का है, बट जब वो एक्शन पे आती है बात तो फिर वो उड़ उड़ के लात भी मारता है। जी 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 बड़े टेंशन में आ गए थे कि मेरे माँ
हाँ तो ये दबंग के अंदर हुआ था। तो दबंग के अंदर जो फर्स्ट दबंग के अंदर जब मैंने अरबाज को मारा था दबंग के अंदर, तो जैसे ट्रायल ख़त्म हुआ और हान आया और रोते रोते मुझे मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ बेटा, इज यू हिट माई पापा, यू हिट माई पापा, यू हिट माई डैडी, और इतने ज़ोर ज़ोर से मेरे को मारा उसने। तो दैट टू हग हिम एंड यू नो कॉल अरबाज एंड हग अरबाज, दैट्स ऑल एक्टिंग, नाउ आई विल शो यू हाउ वी फॉट। तो पूरा हमको अरबाज और मुझे ना उसको पूरा सीक्वेंस दिखाना पड़ा, और फिर जाके उसको समझ में आया कि ये मारा मारी नहीं हो रही है, ये इज जस्ट एक्टिंग। और फिर उसने फिर वापस से यू नो ही स्टार्टेड डूइंग, ही थॉट वाज फन, सो देन ही स्टार्टेड यू नो डूइंग एक्शन विद अस। या बट वो बच्चों के दिमाग पर असर होता है। अब मेरे फादर कुछ समय पहले बोल रहे थे, उन्होंने जब फाइनल देखा रश प्रिंट, तो उन्होंने बोला कि वो जो लव मेकिंग सीन है ना वो काट देना। तो आई एम लाइक वो लव मेकिंग सीन है ही नहीं पिक्चर में, इस एंड व्हेन ही गोज ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ द लीडिंग लेडी, हाँ कट दैट। तो सर डैडी आपने कभी थोड़ा कोई OTT कंटेंट देखा है क्या? ये तो हमने ऐसा लग रहा है कि पोप के लिए पिक्चर बनाया है, देयर इज नथिंग इन इट। इसे नहीं फिर भी देन ही टोल्ड मी अगेन कन्फर्म इज पीपल दैट आई वॉक विद, जिनके साथ मैं वो चलने को जाता हूँ सुबह को, तो वो बोलते हैं जैसे कि आपने बोला कि एकदम बेफिक्र होकर हमारे बच्चों को यू नो पिक्चर दिखा देते हैं, यू नो पीपल टेक द फैमिलीज टू गो एंड वॉच द वॉच आर मूवीज माई मूवीज। तो ऐसे वो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको एक शॉर्ट तो उसको हमने फेड आउट कर दिया एक 3-4 सेकेंड पहले। तो दिस इज़ वॉट आई बिलीव। अब दूसरे लोगों की बिलीव कुछ और है कि ये सभी कर रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं का समझ इसका मतलब थोड़ी कि मैं करूँ। आई हैव माई ओन थिंग्स और जी 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 फैंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई जब मैं बोलूँ ना कि मैं पिक्चर के अंदर हूँ तो इसका मतलब पिक्चर के अंदर हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे वो ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा गेस्ट अपीयरेंस होता, छोटा मोटा रोल होता, 8-10-15 मिनट का रोल होता, तो मैं आपको खुद बता देता कि ये 8-10-15 मिनट का रोल है। मैं तो वो भी नहीं करता, मैं सिर्फ आयुष की पिक्चर लगाता वहाँ पर, और फिर जब आप जाते हैं थिएटर के अंदर तो आपको पता चलता अरे ये भी है 15 मिनट के लिए। सो आई नो एक ये रूमर आया था बाहर के, अभी भी है कि सलमान इज़ वेरी लिटिल इन द फिल्म। अब वो फैलाने वाले हैं, ठीक है उनका काम है वो, ठीक है, और उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस पिक्चर से हम इंस्पायर्ड थे वो थी मुल्शी पैटर्न। उसके अंदर वो जो नन्या, जो हमारे पिक्चर में नन्या भाई हैं, उन्होंने वो पुलिस वाले का कैरेक्टर अदा किया था, तो उनके 4-6 सीन थे। तो वहाँ से ये बात निकली, मैं टाइगर की शूटिंग कर रहा था और फिर आयुष ने प्रमोशन शुरू कर दिया, तो सबको लगा कि आयुष है मैं नहीं हूँ। वो फिर जब तक मैं आया तो इट हैड ऑलरेडी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। सो बट नाउ पीपल आर वॉचिंग इट, दे रियलाइज दैट not only on that throughout the film, but reviews on me, on Ayush and Mahima, Mahesh Manjrekar, everyone is all positive, everyone's loved the film. So, jin ne nahi dekhi hai, wo jaake picture dekho, aapko bada maza aayega, alag hi picture hai ye. I don't want that aura. I don't want it at all. I think it's a waste. I mean, वो दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था जहाँ पे थिएटर के अंदर आग लगी थी, a lot of people died there. Okay, now this is it's a very dangerous thing to burst crackers. I can understand the intention, I can understand the excitement के their favorite hero, they call me Bhaijaan, Bhai. You know, he's come in theaters after the longest time.
तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट देर आर अदर वेज टू सेलिब्रेट. यू नो, एक तो ये था कि चिल्लर फेंक रहे, नोट फेंक रहे, जो वहाँ तक कि ठीक था कि जब वो सफाई होती है तो जो वहाँ पे काम करते हैं स्कैल्पर्स वगैरह जो अशर्स हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं, तो इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन. लेकिन पटाखे फोड़ना, एंड यू सॉ दैट, मतलब आई वाज स्कैर्ड. आई सून एज़ आई सॉ इट, सून एज़ आई सॉ इट, आई पोस्टेड कि ये गलत बात है. आई मीन थैंक यू फॉर द रिस्पेक्ट, बट इसके अंदर यू नो आग वाग लग गई. यू नो, तो देर इज़ नो चांस ऑफ सर्वाइवल, देर इज़ नो चांस ऑफ एस्केप, नो चांस ऑफ एस्केप. और क्या यू गोइंग टू हैव फन एंड देन यू सडनली यू कम आउट विद 80% 90% बर्न्स एंड यू नो दैट इज़ नॉट ओके. नॉट ओनली यू, जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर, बिकॉज ऑफ यू, यू नो सम अदर पीपल वुड यू नो वुड लूज देयर लाइफ, सो दैट इज़ नॉट ओके. एंड ये दूध वगैरह यार, और आप पोस्टर के ऊपर दूध पिला रहे हो, सो आई जस्ट थिंक अगर पिलाना है बहुत अच्छी बात है पैसे, और दूध वेस्ट करना है तो ये दिस इज़ वेस्टिंग. फिर जाके यू नो कोई संस्था के अंदर बच्चों को, यू नो गरीबों को, यू नो वहाँ पर जाके दूध पिलाओ. I would appreciate that than, you know, putting milk on a poster. That is not, मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें. I can understand the intention वगैरह, और लेकिन I don't, इस wastage है. और जब पता है कि लोग हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, you know, और आप ये wastage कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं भाता मुझे ये. पिक्चर जाओ देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, और इन्जॉय करो पिक्चर, बट वो सेफ रहो, सेफ रहो. अब वो अभी महाराष्ट्र के अंदर 50% है, बाहर खुल चुका है, सो आपको यू हैव टू बी यू नो इवन प्रिकॉशंस आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि थिएटर से अगर ये वापस से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ये वापस से बंद हो गया. ओके, हमारा काम बंद, आपका इंटरटेनमेंट बंद. तो वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड डांस करो, इन्जॉय करो, यू नो हैव फन. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू नो डबल वैक्सीनेटेड राइट नाउ, सो वी नीड टू इन्जॉय आवर सेल्फ इज वेल, क्योंकि बहुत बुरे टाइम से गुजरे हैं हम, पर थोड़ा सा एक एहतियात रख के हमको इन्जॉय करना पड़ेगा ताकि ये वापस से ना आ जाए. अच्छी फील है ना. आई थिंक फर्स्ट टाइम हाउसफुल का बोर्ड लगा था वांटेड में लगा था, और वांटेड से लगातार लगते आ रहा है. अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है हाउसफुल का बोर्ड लगना, बहुत अच्छी बात है कि हम गए टिकट लेने यार, हाउसफुल था. तो ये अच्छी बात है हाउसफुल का बोर्ड लगना, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे टाइम पर भी हाउसफुल का बोर्ड लग रहा है. अच्छा, यहाँ पर अगर फुल कैपेसिटी होती तो, और उसके बावजूद हाउसफुल का बोर्ड लगता, तो इसमें तो और भी अच्छा लगता. अब ये 50% कैपेसिटी है, तो इसके अंदर हाउसफुल का बोर्ड लगना थोड़ा सा इजी है इस वक्त. आई थिंक जी नहीं, मैं दूसरी बार दिखा गया हूँ, और एक छोटा सा पोर्शन किया था मैंने जाने मन में भी. अभी अभी आए हो. क्योंकि इसका प्रिपरेशन मेरे लिए लॉकडाउन ने करके दे दिया मुझे, क्योंकि लॉकडाउन पे मैं फार्म पे ही था, तो मेरी दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गई थी, और ये रोल मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि इसको कर लूँ मैं. और फिर कन्फ्यूजन था कि करूँ नहीं करूँ, कि वापस से पुलिस इंस्पेक्टर, यू नो. फिर अब हम लोग इसको पंजाब में करने वाले थे पहले, यू नो, फिर वो बिकॉज ऑफ ये पैंडमिक ट्रैवलिंग वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि यार भाई ये हर गांव की कहानी ये है, एवरी विलेज, यू नो एवरी किसान सफ़र्स दिस. तो हमने बोला कि फिर इसको चलो महाराष्ट्र ही कर लेते हैं. तो दैट इज़
दैट वॉज द थाट बिहाइंड द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म का कैरेक्टर भी ये पंजाब में बन जाए या मध्य प्रदेश में बन जाए, यूपी में बने, बिहार में बने, गुजरात में बने, किधर भी बने, ये सब्जेक्ट यू नो इज बेसिकली इट्स अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। नहीं द लैंग्वेज जैसे कि इवन दो हम महाराष्ट्र में थे तो एक आध दो जगह ही हमने मैंने मराठी बोली है और बाकी किसी ने बोली ही नहीं है, तो इसको हिंदी में ही रखने वाले थे हम थ्रू आउट, तो डायलेक्ट हिंदी ही होती। सलमान जी, भाई का बर्थडे जो गाना आया है, तो पसंद जी देखो बर्थडे के कौन कौन से गाने बताओ मुझे। हाँ नहीं बर्थडे के ऊपर बार बार ये दिन आए, हाँ बार बार सुन सुन के आपको अच्छा लगता है ये गाना। हाँ अरे हाँ ये अब वो एक दूसरा गाना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, आज मेरा हाँ 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 यार अब इस माई बर्थडे इस माई बॉय, वो तो इंग्लिश वाला गाना। हाँ ये तो मेरे को मुझे अब इसको आप अभी तो भाई का बर्थडे है, हाँ डैड का बर्थडे कर लो, माम का बर्थडे कर लो, बहन का बर्थडे कर लो, कुछ भी। सो आई ऑल्सो थॉट कि इसको मैं ये डब करके हर वर्जन कैसे माँ का बर्थडे, भाई बहन का बर्थडे, डैड का बर्थडे, यू नो आई वांट टू डब इन ऑल दीज दीज थिंग्स विच आई डू इट एंड आई गिव इट टू जिन जी का बर्थडे है फ्रॉम माई साइड टू देम कि ये जी टाइम है बर्थडे में, बर्थडे में बहुत टाइम है, लेकिन लेकिन ये जो आप लोगों ने इस फिल्म को जो इज्जत दी है, आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि इस फिल्म के ऊपर हमने बहुत मेहनत की है और आयुष ने भी बहुत मेहनत की है, महेश ने भी बहुत मेहनत की है, महिमा ने भी बहुत मेहनत की है, सब ने इस फिल्म के ऊपर बहुत मेहनत की है और उसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पर और थिएटर्स के अंदर के पिक्चर, लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आई है, आप लोगों ने भी उसको कहा है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और जो फैंस के रिएक्शंस भी आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, और एक इनिशियल कन्फ्यूज़न था कि मैं इस पिक्चर में हूँ नहीं, तो अब वो भी क्लियर हो गया है, जो जो देख कर आए हैं पिक्चर वो वापस से देखने जा रहे हैं पिक्चर। इट्स ओके इट्स ओके जी जी हाँ आयुष ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर आप उसको चौगाड़ा और लव यात्री से देखें दो ढाई साल के अंदर, वो जितना उसका एंगर था उसने पूरा स्क्रीन पे निकाल दिया है। जी 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 हाँ काफ़ी होता है इवेंचुअली अब द अप्रूवल ऑफ द सॉन्ग इज़ लेफ्ट टू मी। अब वो गणेश का गाना था तो वो गणेश का गाना हर जगह बजेगा, ओके एक नया गणेश का गाना आ जाता है। भाई का बर्थडे मुझे चाहिए था एक ऐसा गाना जो कि यू नो बर्थडे पर आए, और फिर ये जो लावनी जो गाना था, लावनी क्योंकि महाराष्ट्र का, हाँ चिंगारी वाला, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर यू नो इट्स अ यू नो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एंड इज डाइंग राइट नाउ, एंड बिकॉज इसकी जगह हम लोग आइटम गाना भी कर सकते थे, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन रख कर हमने ये लावनी गाना किया है, और उसके अंदर भी वर्ड्स हमने आज के सोशल मीडिया के डाले हैं कि अगर जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, चिंगारी है, चिंगारी तो बाद में, ये हमने गाना डेढ़ दो साल पहले शूट किया था ये गाना हमने, अब वो चिंगारी के साथ तो मैं अब जाके जुड़ा हूँ, तो ये पहले का है। और क्या क्या है, व्यूज़ एंड लाइक्स एंड मिलियन ये वो सब वो चक्कर है, तो आई थॉट कि ये दैट यू नो सोशल मीडिया वाले भी यू नो इसको पिकअप कर लेंगे, उसके रील्स बन जाएंगे, रील्स भी है उसके अंदर, तो ये सब
ये सब सोच के ही डाला था कि ये गाना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाए, जो कि अच्छा कर रहा है गाना, इज गॉट अ गुड ट्रैकिंग, और वो जो अयूशल हाँ किसमें नहीं हाँ वो और फिर वो जो गाना था वो जो रोमांटिक का था वो हमने एक गाना किया था जो कि सूट नहीं हो रहा था, तो हमने भी टोल रवि बसूर और रवि बसूर ने वो गाना फिर रिकॉर्ड करके दिया, होने लगा जो गाना है। और जो हमारा बैकग्राउंड स्कोर था पिक्चर का ना 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 गंदी दुनिया वहाँ उसका हमने गाना बना दिया। सो इट्स अ नाइस एल्बम पूरा मिला के, अच्छा है। सर आपने कई सारे लोगों को ब्रेक दिया है और कई सारे हमारा हमारा हमारा